तो हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, किम छोद, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का न्यू वाले ब्लॉग में। तो गाइस रेडी हो गए, भगवान जी को हमने कर लिया है प्रणाम, एंड हमारे ये मम्मी जी बैठी हुई हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव गाइस, और ये हमारे पापा जी हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों, और ये न्यूज चल रही है। और चलिए चलते हैं घर से बाहर, कुछ हमें पूजा का सामान लेना है, बाजार चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीन में। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी। हाँ जी गाइस, तो चलिए भगवान जी की हमने पूजा भी कर ली है और गए थे हम बाजार में, आप लोग को झांकी भी दिखा दी। और अब हमारे आज के नवरात्रि का देखिए, मंदिर हमने साफ कर लिया है अपना, पूरा साफ सफाई हुई है और सजाया है मंदिर को। ये देखिए माला बन गया है, आरती पूजा हमारी हो चुकी है, और ये हमारे मंदिर का व्यू ऐसा है, हमारे घर के मंदिर का। और आप कमेंट में बताइएगा मंदिर कैसा लग रहा है हमारा। ये देखिए, और ये हमारे मम्मी जी बैठी हुई है, जय सियाराम, हर हर महादेव गाइस। और हमने थोड़ा सा घर का भी बेडशीट वेडशीट बदल दिया, और पापा भी हमारे बाथरूम में देखिए साफ सफाई चल रही है, नहाना धोना चल रहा है। और दोस्तों आई होप आप लोग ब्लॉग देखे होंगे कंटिन्यू, और अभी जो हमारे यहाँ सीएम साहब आए हुए थे उसका भी ब्लॉग मैंने डाला हुआ है, और एक मेरे प्लेलिस्ट में भी माता जी की जब नवरात्रि का प्रथम दिन वाला जो मूर्तियाँ आती हैंगी वो मैंने आपको दिखाया है, वो भी आप जाके ब्लॉग देखिएगा। मार्केट में कैसी बाजार में दुकानें लगी हुई थी माता रानी के लिए सजावट, और कहाँ कहाँ पे कौन सी झांकी बन रही, ये भी मैंने बताया था। और दोस्तों नीचे और भी बहुत सारे ब्लॉग हैं मेरे जो आप जाके देख सकते हो। और आज थोड़ा सा हम अपने घर के मतलब साफ सफाई पूजा पाठ में लगे हुए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा बाहर का कंटेंट नहीं दिखाया, फिर भी आपको एक झांकी और एक जो हमारी माता जी आ रही थी उनका छोटा सा सीन दिखाया है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, या कई सजेशन से आपको वीडियो मिला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बनी घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आगे मैं और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनाता रहता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, ये जो नाम आ रहा है अर्पित नाना भोपाली, इसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सभी सोशल मीडिया पर जाके भी सर्च करें, वहाँ भी मुझे फॉलो करें, मैं अच्छे अच्छे कंटेंट वहाँ बनाता हूँ, अपना प्यार आशीर्वाद वहाँ भी मुझे दें। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों से, कि जो YouTube ब्लॉगिंग में कर रहा हूँ, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मुझे मिल रहे हैं डेली, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद है जो कि शॉर्ट के थ्रू, मगर फिर भी काफ़ी लोग अभी देखते नहीं हैं। तो गाइस आप लोग थोड़ा देखा कीजिए, क्योंकि भले ही मैं अभी फैमिली कंटेंट बना रहा हूँ, मगर फिर भी मैं जितना हो सकता है आपको उसमें कंटेंट में अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ, देता हूँ, जिससे कि आप थोड़ा सा एंटरटेन हो। और हाँ, अभी कुछ और आपको कंटेंट आगे देखने को मिलेंगे निरंतर, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, और साथ में बेल आइकन भी दबाना पड़ेगी, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आपको शॉर्ट वीडियो देखनी है तो इसी चैनल पे शॉर्ट वीडियो में भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट डालता हूँ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और जो वीडियो आपको अच्छी लगा करे आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और अच्छा आप लोगों के लिए कर पाऊंगा। तो ये हमारे मम्मी जी की देखिए किचन में सेब की बहुत अच्छी, गाइस आज व्रत किया है, पहला दिन नवरात्रि का है तो व्रत किया है हम सभी लोग जो है, और अभी हमने उपास का वो बनाना है मुझे फलाहार, तो फलाहार बनाएंगे और अभी फलाहार का उपास तोड़ेंगे। जय सियाराम, हर हर महादेव, जय सियाराम। ये सेब आया है मार्केट से, और ये मौसमी आई है, तो ये सब भी अभी भगवान माता रानी को भोग लगा के फिर खाएंगे। जय सियाराम, हर हर महादेव, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। दोस्तों तो आई होप आप लोग बिल्कुल बने हुए होंगे अभी तक, और आप डेली मेरा वीडियो देखते हैं, जो भी मेरे प्रिय सब्सक्राइबर हैं मुझे प्यार देते हैं, इसके लिए मैं इधर से आपका आभारी हूँ। अपना प्यार आशीर्वाद इसी तरह बना के रखना, और जो वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं भी आपको किसी कारण अच्छी लग रही है, बट आप उसे शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है जो इसमें मैंने बात बोली या कंटेंट बताया वो किसी दूसरे के लिए काम में आ जाए,
तो प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और साथ में किसी का अगर भला हो जाए या किसी की हेल्प हो जाए मेरे वीडियो के जरिए, तो आप लोगों का भी मेरे को थोड़ा सा आभार उस चीज़ के लिए मैं आपको देना चाहूँगा, और साथ साथ में जिसको आप शेयर करोगे वो भी आभार देगा। तो प्लीज़ अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखना। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से कंटेंट के साथ, अच्छे से विषय के साथ में। अभी के लिए नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम चौधर, जय सियाराम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जयकारा, शेरवाली का बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, जय, जय।